Sponsored by Shri Nataraj Oils. Pure Edible Oils. अब मंदिर परिसर में कंपोस्टिंग। आज नगर आयुक्त डॉक्टर केवी रमणचारी ने शहर के सर्वेश्वर मंदिर और रेणुका अलम्मा मंदिर में डिवाइन कंपोस्टिंग पर मंदिर समिति के सदस्यों और पुजारियों को जानकारी दी। मंदिर में भगवान के लिए उपयोग किए जाने वाले फूलों और फलों को बाहर छोड़े बिना मंदिर परिसर में खाद बनाई जा सकती है। मंदिर में खाद बनाने की जगह की भी जाँच की गयी। कहा जाता है कि इस खाद को मंदिर के पौधों में लगाने से पौधे भी तेजी से बढ़ते हैं। ये पौधों के लिए काले सोने के जैसा है। खाद बनाने की प्रक्रिया में कोई गंध नहीं आती है। उन्होंने कहा कि कई वार्डों में वार्ड कंपोस्टिंग और कुछ मिड डे गार्डन पहले से ही स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तरह शहर के लोगों को भी गीले कचरे से खाद बनाने के लिए आगे आना चाहिए। समारोह में मंदिर समिति के सदस्य और पुजारी, स्थानीय नेता कोत्तापल्ली वेणुगोपाल और अन्य लोग शामिल रहे। नवभारत समाचार से रामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।